मुंबई की फिल्म सिटी में है आज जश्न का माहौल। हर नजर को है इंतजार देखने अपने सबसे चहीते स्टार को। इंडियन आइडल का पूरा क्रू आज माधुरी मैम के लिए रुका है और हम बस वेट कर रहे हैं कि माधुरी मैम कब आएंगी। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। 19 साल में पहली बार इंडियन आइडल के मंच पर उतरा चांद, दीवान एंड ओनली डांसिंग एक्टिंग और खूबसूरती की डीवा माधुरी दीक्षित। एंड जेंटलमैन, आज अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे माफ ना करना। आई डोंट केयर। आज खूबसूरती खुद चलकर आइडल के स्टेज पर आई है। अप्सरा, गुलबदन, दिलरुबा, महजबी, चुलबुली, रस भरी एक परी, नाजनीन, फूल से दिल नशीन, चांदनी से हसीन, जिनका नहीं है जवाब कहीं। आज इंडियन आइडल के 19 सालों में पहली बार पधारी है। मैं 200 सालों से माधुरी जी आपके लिए बस ये गा रहा हूं। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे रे अरे क्या हुआ मैंने ना ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। आपका गाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन एक है, सब लोग कहते हैं सोना ये कर सोना वो कर, सोना यहाँ से आ और फिर ये कर, तो आज करके दिखाया ना आदित्य सोना ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद और क्या कमाल का करके दिखाया। प्लेजेंटली सरप्राइज है माधुरी जी। तो मैं कुछ करना चाहूंगी यहाँ, क्यों सोना यहाँ आओ। तो पता है जब मैं भी काम कर रही थी कभी कभी, तो मैं भी कभी कभी ऐसे लेजी हो जाती थी कभी कभी। मतलब इतना काम करते थे हम लोग, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, तो कभी कभी ऐसे बहुत मतलब नहीं आज नहीं जाना ऐसे कुछ हो जाता था कभी कभी। तो मेरे मम्मी ने मुझे एक ख़ास कुछ दिया है, एक अंगूठी दी है, और वो कहती थी कि जब भी ऐसा लेज़ी लगे ना तो इस अंगूठी को देखना और फिर ये सोचना कि नहीं मुझे ये करना ही है और बेहतर करना है, और अगर बेहतर होता है तो उससे भी बेहतर करना है आगे। जीनियस होता है 2%, लेकिन 98% परसिवियरेंस होता है, काम होता है, राइट? अंगूठी को देखना और याद करना, माधुरी जी ने ये कहा था। गानों से मुझे याद आया कि गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो हम तू शायर है ये चल रहा था। तो मुझे जो हमारे कोरियोग्राफर थे चिन्नी प्रकाश, उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक मूवमेंट बहुत कमाल की देता हूँ मैं, तू शायर है। अच्छा, और मैंने मुझे जब ये दिखाया तो मैंने बोला ये क्या मूवमेंट हुई, ये कौन सा शायर है, ये कैसा शायर होता है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं कुछ और हो सकता है, तो ही वॉज वेरी एडामेंट, नहीं नहीं आप देखना ये फेमस होगा। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मतलब मैं कर लेती हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है। सो आई डिड इट, और मुझे कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक्शन इतनी फेमस हो जाएगी। मैंने पता है आपका माई नी माई देखा था गाना जो आपने गाया था तभी,
और सूरज जी भी यहाँ पे थे और उन्होंने कुछ कहा था आपको। सिंगर तो आप हैं बट कभी मन हो, हल्का सा भी मन हो टू बिकम अ एक्ट्रेस, राष्ट्रीय हीरोइन बहुत अच्छी तरह से करोगे आप। मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक डायलॉग देती हूँ, मेरा ही डायलॉग है मेरी फिल्म का, और आप उसे एक बार एक्सप्रेशंस के साथ बोल के मुझे बता देना। ओके ये मेरा दिल तो पागल है में था ये डायलॉग। तो डायलॉग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उसे जरूर मिलूंगी। ये डायलॉग आपको बोलना है, रोमांटिक डायलॉग है। आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो आप यहाँ किसी को भी देख के बोल सकते हैं, बैठे यहाँ पे किसी को भी किसी नहीं, ऋषि को भी देख के बोल सकते हैं, क्यों नहीं, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी आप देख के बोल सकते हैं डायलॉग, है ना। सो कैन यू से द डायलॉग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। बहुत प्यार करते हैं कि शूटिंग चल रही थी तभी पियानो था और पियानो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है प्ले करना, तो उन लोगों ने पियानो में से धुआं निकाला था ऐसे ताकि हाथ के एक्शन ज़्यादा नज़र ना आए। बट मैम जब हम देख रहे थे तो हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि आप ही बजा रही हैं, और अगर आप बुरा ना माने तो कई साल बाद क्यों ना हम उसी पल को इंडियन आइडल के स्टेज पर रिक्रिएट करें। माधुरी दीक्षित आपके सामने लाइव लिप सिंक कर रही हैं आपका गाना, माइंड ब्लोइंग। मेरे पूरे करियर में जो यंगेस्ट लड़की है उसने मेरे लिए गाया। माधुरी जी, जी कुछ एपिसोड्स पहले हमारे देश के शोमैन सुभाष घई जी इंडियन आइडल पर आए थे और उन्होंने फिल्म खलनायक के एक बहुत ही
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स चोली के पीछे के बारे में एक कहानी हमारे साथ शेयर की थी माधुरी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। माधुरी वर्क्ड वेरी हार्ड इन दिस सॉन्ग एंड मजे की बात यह कि जब गाना शुरू सेट पे फर्स्ट डे शूटिंग थी, बहुत रिहर्सल की थी बेचारी ने, बहुत अच्छा काम किया। जब पहले दिन जब शूटिंग थी तो बीमार हो गई, बुखार आ गया उनको बहुत, और हमने सब डांसर्स पूरा सेट बना के रखा था तो उसके बिना तो गाना नहीं शुरू हो सकता था। तो नीना गुप्ता जी वो भी आए यहाँ पर, मैंने नीना जी को पूछा, नीना जी आपको डांस आता है? अरे यार मत मरवाओ, पहला दिन है, मुझसे कहाँ होगा डांस। तो मैंने सरोज को बुलाया, मैं बोला सरोज देखिए डांस करेगी माधुरी और एक्सप्रेशन करेंगे ये। माधुरी जी आपको बुखार था, बुखार में आपने ऐसा परफॉर्म किया है और आपकी परफॉर्मेंस को देखकर पूरे देश को जो बुखार चढ़ा है वो अलग बात है। इन्फेक्शस था, कंटेजियस था। तो माधुरी जी मैं ये कह रहा था कि आज आपकी तबीयत कैसी है? तो माधुरी जी अगर आप हाँ कहें तो हम लाइव इस गाने की एक छोटी सी झलक देखना चाहते हैं। ऑडियंस कम ऑन यार, थोड़ा जोश दिखाओ, कम ऑन एचआर विशेष सर। माधुरी जी आपकी मौजूदगी ने हमारे इंडियन आइडल के सेट पर 400 चांद लगा दिए हैं और हमारी पूरी टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर आइए। एक आखिरी चीज है माधुरी जी जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं, आपने कभी भी किसी पेजेंट में हिस्सा नहीं लिया है जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड होता है, लेकिन हमें कोई भी शक नहीं है कि अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स में कभी भी भाग लेती तो सबसे पहले तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशनसीब भी होती और दूसरी बात ऑब्वियसली आप ही ये ताज जीतती। लेकिन आज एक स्पेशल ताज है जो हम आपको देना चाहते हैं हमारे इंडियन आइडल के परिवार की तरफ से। To the super beautiful, super graceful, and the super legend of all time. Yeah!
मैम, एक आखिरी छोटा सा सरप्राइज हमारे सारे इंडियन आइडल के बच्चों की तरफ से आपके लिए. बैंड म्यूजिक. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.